subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और उसकी आशीष हम सब पर बनी रहे। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, एक बार फिर हम सबके मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की महिमा और उनका जलाल हो। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग एक विशेष अध्ययन को अपने सामने रखे हैं। तो आज भजन संहिता 16 अध्याय और 7, 8, 10 वचनों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, आज के अध्ययन में हम लोग एक विशेष बात, आजकल हम सबके साथ में ये होते रहता है और उस अनुभव को हम लोग आज परमेश्वर के वचन के आईने में हम लोग स्पष्ट रूप से उसका अनुभव करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, भजन संहिता 16:7 पद को हम लोग देखते हैं। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिनी हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आमेन, हालेलुया। आप अपने बाइबल में इस वचन को अच्छी तरह से आप पढ़कर समझ लीजिए। मेरे प्रियो, ये सातवां पद जो है वो एक प्रश्न हमारे सामने लाता है और प्रश्न हमारे सामने उठा कर रखता है। तो यहाँ लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। आमेन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति, जो विश्वासी भाई और बहन, जो कोई भी, अगर हमारे परमेश्वर यहोवा को अगर वो निरंतर अपने सन्मुख यानी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को यदि वो रखता है, तो मैं कहता हूँ कि जीवन में आप किसी बात से और किसी भी संघर्ष से आप कभी डगमगाएंगे नहीं। आमेन, हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है, इसलिए कि वो मेरी दाहिनी हाथ रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस वचन में एक सबसे बड़ी मुबारक बात यह है कि वो इसलिए हमारी दाहिनी हाथ में रहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बहुत सुंदर बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख यानी हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे और उसके साथ में चलते रहेंगे और उसकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहेगी, तो वो निरंतर अपने दाहिने हाथ पे रहता है। आमेन, हालेलुया। और वो अपने दाहिने हाथ में जब वो रहता है तो फिर मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यो, मनुष्यों के संघर्ष भरी जीवन में यही बात हमें चाहिए। हम हर समय डगमगाते हैं। जब भी कोई मुसीबत, कोई समस्या या कोई डर का ऐसा जब माहौल हमारे सामने बन जाता है, तो हम बहुत बार घबराते हैं, डरते हैं और फिर डगमगाना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, बहुतों को आज यही परेशानी है, यही जीवन में बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं, डगमगाते हैं। अभी कोई अच्छा विश्वासी है तो वो अपने विश्वास में वो डगमगाता है। भले ही वो विश्वासी है, सब बातों में उचित है, लेकिन फिर भी वो अपने सामने की जो समस्या देखकर वो विश्वास में डगमगाता है और विश्वास में डामाडोल होता है। तो आज ये बात हर एक व्यक्ति के साथ में हो रहा है, हम लोग डगमगाते हैं। तो आप डगमगाए ना, तो उसके लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक बात को स्मरण दिलाया, आप कभी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी डरेंगे नहीं। समस्याओं के सामने और अपने जीवन के संघर्ष में आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी विश्वास में डामाडोल नहीं होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐसी चाबी यहाँ दी गई है, वो बात भक्तजन दाऊद अपने अनुभव से हमको समझा रहा है। वो कह रहा है, मैंने यहोवा को निरंतर
अपने सन्मुख रखा है। आमेन, हालेलुया। यही है वो किल्ली, यही है वो चाबी। हम न डगमगाए अपने जीवन में, न डरे, तो उसके लिए एक ऐसी चाबी दाऊद ने अपने जीवन से हमें समझाया है। वो कह रहा है, इस कारण मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, आमेन, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। आमेन, हालेलुया। मेरे पियो, इस बात से आप बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा पाठ आप ले सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। जब आप ईश्वर को अपने सन्मुख रखेंगे, आप ईश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो आप कभी घबराएंगे नहीं और वो कभी आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके दाहिने हाथ रहता है। ऐसा दाऊद अपने जीवन के अनुभव से, अपने विश्वास के जीवन के अनुभव से वो आज हमें सिखा रहे हैं। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। ये सत्य है मेरे पियो। हम बहुत बार परिस्थितियों के सामने हम डगमगा जाते हैं और डरने लगते हैं। मेरे पियो, आपको एक बात यहाँ सीखना है। समस्या बड़ी है या परमेश्वर? समस्या बड़ी है या परमेश्वर? निरंतर आप इस बात को अपने अंदर में रखें, फिर आप किसी भी हालात से और किसी भी समस्या से आप कभी नहीं डरेंगे। क्योंकि इस बात को आप अपने जीवन में अगर बनाए रखेंगे, तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं और आप कभी डरेंगे भी नहीं। क्योंकि हमारे पास में आत्मिक आंखें हैं और वो आंखें अंदर रहती है। आमेन, हालेलुया। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बाइबल से ही देना चाहता हूँ। देखिए, आपको मालूम है दाऊद और गोलियात, दाऊद गोलियात के बीच में जब संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, तो वहाँ पर एक बात सीखने लायक हमारे लिए है। आमेन, हालेलुया। अब देखिए, समस्या रूपी गोलियात जो है वो एक चट्टान के जैसा, एक बड़ा पहाड़ जैसा आदमी, और दाऊद एक छोटा सा बालक, वो 12 वर्ष का एक छोटा सा बालक है, और गोलियात एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान, एक भयानक व्यक्ति, एक गंभीर व्यक्ति सामने पहाड़ के जैसा खड़ा है, और ये छोटा बालक उसको ललकार कर कह रहा है, मैं यहोवा के नाम से तुझे गिराकर छोड़ूंगा। अब समस्या के सामने जब हम छोटे लगने लगते हैं, तो आपको अपने आत्मिक आंखें खोलना पड़ेगा। आप समस्या को जैसे दूरबीन से देखते हैं तो वो बहुत बड़ा लगता है, वैसे ही आप समस्या में आप परमेश्वर को देखें और परमेश्वर की उपस्थिति को समझें, और परमेश्वर को यदि आप अपने आध्यात्मिक आंखों से जब देखेंगे, तो परमेश्वर समस्या से बड़ा आपको दिखाई देने लगेगा, तब आपकी समस्या आपके सामने छोटा बन जाएगा। मेरे प्रियो, आपके पास में आत्मिक आंखें है, लेकिन आप उन आंखों को समझ नहीं पा रहे। आप ये देह की शारीरिक आंखें आप देखते हैं, तो उस शारीरिक आंखों से समस्या आपको पहाड़ के समान, गोलियात के समान दिखेगा, लेकिन आप अपने आध्यात्मिक आंखों से यदि दाऊद की तरह, दाऊद के जैसा अगर आप समस्या को और गोलियात को आप देखेंगे, तो आपको गोलियात छोटा लगने लगेगा। वहाँ पर इस उदाहरण में दाऊद ने इतने बड़े पहाड़ को ललकारा और कहा, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। वो छोटा सा बालक और उसका धैर्य, उसका हिम्मत, उस समस्या के सामने खड़े होकर, निडर होकर उसने उस समस्या को जवाब दिया और कहा कि मैं यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे पियो, दाऊद ने अपने आध्यात्मिक आंखों से उस पहाड़ को छोटा देखा और अपने परमेश्वर को बड़ा देखा। दुर्बिनी आंखें, आज हमारे पास में भी वो आंखें है, लेकिन हम आज उन आंखों को बंद करके बैठे हैं। इसलिए आज हम लोग अपने जीवन के संघर्ष में, समस्याओं के सामने हम डर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको वो आंखें दिखाना चाहता हूँ, वो आंखें कहाँ हैं।
आप सबोपदेशक की किताब को निकालें, सबोपदेशक की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 पद को यदि आप देखेंगे तो मैं आपको एक महान सच्चाई जो परमेश्वर ने गुप्त में रखा है ये बात, सबोपदेशक की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका यहाँ 14 पद में यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है परंतु मूर्ख इन बातों को समझ नहीं पाता। अब आप अपने आप को टटोले, ये आंखें आपके अंदर में है, बाइबल में लिखा है यही है वो आध्यात्मिक आंखें। आज हम हैं, हमारे पास में शारीरिक आंखें भी है लेकिन ईश्वर ने दिए हुए बुद्धिमान लोगों को उनके सिर के अंदर में आंखें है करके सबोपदेशक दूसरा अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है। और इस वचन को आप अपने बाइबल में से आप जरूर निकाल कर पढ़ें और देखें, आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि मेरे अंदर में जो ईश्वर ने दिए हुए आध्यात्मिक आंखें है जो बुद्धिमान लोगों के सिर के अंदर में रहता है। आमेन, हालेलुया। आप इस महान सच्चाई को समझे अपने बाइबल में पढ़कर। यहाँ लिखा है कि बुद्धिमानों के आंखें सिर के अंदर में होते हैं। आमेन। तो मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि दाऊद ने भी यही आंखें खोलकर उस पहाड़ के समान गोलियात को अपने आध्यात्मिक आंखों से देखा और वो गोलियात से डरा नहीं। और ये छोटा सा 12 साल का बालक उस पहाड़ जैसे गोलियात को जवाब दिया कि मैं आज यहोवा के नाम से तुझे गिरा कर ही रहूँगा, तुझे मार कर ही रहूँगा। और ऐसा हुआ भी, दाऊद ने एक पत्थर से उसको नीचे गिराया और उसी का तलवार लिया और उसका गर्दन काट दिया, समस्या खत्म और विश्वासी बरी हो गया। आज विश्वासियों को ये आंखें चाहिए, ये आंखें जो सबोपदेशक ने लिखा दूसरा अध्याय और 14 पद। क्या आपके पास में ये आंखें है? आपने कभी समझा ये बात को? आज विश्वासी के पास में शारीरिक आंखों से अच्छा आप अपने आध्यात्मिक आंखों से जो अंदर है, आपके अंदर में एक ऐसा दूरबीन वाले आंखें है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको हम सबको दिया है, लेकिन आज वही बात हम खो दिए और भूल गए कि ईश्वर ने हमको आध्यात्मिक आंखें हमारे सिर के अंदर में रखा है। अब उन बातों से, उन आंखों से अगर आप गोलियात जैसे बड़ी समस्या को अगर आप अपने सामने देखेंगे तो कहेंगे ये बहुत छोटा है, लेकिन जो मेरी ओर है, जो मेरा परमेश्वर, जिसको मैं उससे भी बड़ा देखता हूँ, मैं उससे भी बड़ा देखता हूँ मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर के सामने ये छोटा पहाड़ बहुत छोटा है, वो मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, आप समस्या को छोटा देखिए और परमेश्वर को बड़ा देखिए, तब आप दाऊद की तरह उस पहाड़ पर आप जय प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम आध्यात्मिक लोगों के आंखें खुले होना चाहिए, जिन आंखों की चर्चा परमेश्वर ने सबोपदेशक की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद में किया है। ये एक बड़ी सच्चाई है जो आज हम भूल गए हैं। हमारे अंदर में आत्मिक आंखें है, उस आत्मिक आंखों से, उस दूरबीन से अगर आप समस्या को देखेंगे तो समस्या आपके सामने छोटा लगेगा और परमेश्वर उसके सामने बड़ा लगेगा। तब आप अपने जंग में और अपने जीवन के संघर्ष में आप बहुत सरलता से आप इस संघर्ष पर आप जय को प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। जैसे कि वहां लिखा है, मैं न डगमगाऊंगा,
क्योंकि दाऊद ने अनुभव किया परमेश्वर को, वो मेरी दाहिनी ओर रहता है। समस्या को अगर आप पार करना चाहते हैं तो ईश्वर को अपनी दाहिनी ओर बुला के रखो, वो रहेगा आपके साथ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो आपकी दाहिनी ओर रहेगा तो आप कभी विश्वास में डगमगाएंगे नहीं, समस्याओं के सामने आप डरेंगे नहीं, और आप भला चंगा रहेंगे और आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, आमेन, हालेलुया। एक बड़ी गुरु किल्ली, एक ऐसा चाबी मैंने आपको दिया है आज मेरे प्रियो, इसे आप ले लीजिए और आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे और प्रभु आपको आशीष दे। आमेन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की स्तुति, आमेन।